अपने ब्लॉग चैनल का नाम भी बता दीजिए। रचना क्वीन है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए तो गाइस देख सकते हो इसके समझ में नहीं आ रहा है किधर से कौन चीज बांधने वाला है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे यूट्यूबर मिल चुके हैं। पागल हो गए लोग ये क्या तुम? हम पागल हो गए, तुम भी पागल हो गए। काश हम भी कौवा होते जादू उतना ऊपर बैठे रहते। और यहाँ पे देख सकते हो आप हम लोग खा रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। और हम दोनों का तबीयत ठीक हो चुका है, तो आज हम लोग नहा धो के अच्छे से बाल वाल धो के, क्योंकि इतना ज्यादा ऑयल चपोड़े हुए थी ना, जो फेस लग रहा था और ज्यादा बीमार जैसा, और बॉडी सब बेस्मेल कर रहा था, बुखार खुद से खुद, मतलब खुद से खुद में बहुत ही ज्यादा घिन लग रहा था। तो आज हम लोग फ्रेश होके नहा वहा लिए और चावल वो सब खा लिए, सारा दवाई, ठंडा पानी भी पी तो आज। हाँ, क्योंकि मजबूरी था ठंडा पानी पीना, तभी पानी आया ही था। और मुझे बहुत जोरों की प्यास नहीं हो जाता है खाना खाने टाइम, जो गले में अटक जाता है वही हो चुका था, तो मुझे पानी पीना ही था। तो थोड़ा सा पी बस इतना सा, इसको थोड़ा थोड़ा सा खांसी हो ही रहा है क्योंकि बाल धो के नहाई है, तो थोड़ा सा। और अभी हम लोग जाने वाले हैं बाहर, लेकिन मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है, देखते हैं। अगर फिर से भींगे तब उठने का चांस ही नहीं हम लोग, क्योंकि सीधा पहुँचेंगे, क्योंकि मेरा तबीयत खराब हुआ भींगने की वजह से। मैं क्लास से आ रही थी उसके बाद भींग गई थी, और थोड़ा बहुत इससे भी पटा है मेरा, ठीक है। खुद की गलती वो नहीं बोलती, और इससे पटा है मेरा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तुम ही पटाती हो। हम नहीं पटाए हैं तुमको, तुम खुद से की एक रूम में वेंटिलेशन नहीं, ग्लास ठंडा पानी पीती है, ठंडा पे ना, एक रूम में वेंटिलेशन नहीं, खिड़की भी बंद, उसमें खा 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 कोई करेगा तो मुंह से बैक्टीरिया छूटता है। अभी तो मेरे कान में बोल रही हूँ, कान में बैक्टीरिया घुसेगा। तो हम लोग जाने वाले हैं एक जगह, जो कि वहाँ पे जाके आपको पता चलेगा कि मैं हम लोग कहाँ आए हैं। अभी नहीं बता सकते हैं, वैसे मौसम खराब हो रखी है, तो कैसे जाएंगे? जाएंगे, चाहे जैसा भी मौसम रहे, तो को बाहर निकलना ही पड़ता है। हाँ, वीडियोस में आपको वेदर आज का सुहाना मौसम है, बारिश होने वाली है, बस भगवान बारिश मत हो, क्योंकि अभी हम लोग को जाना है बाहर यार। तो खा रहे हैं अभी, आप देख सकते हो चावल, कढ़ी, कढ़ी बड़ी और चोखा, और ये सूखा वाला बड़ी, और ये अचार। मतलब मज़ा आ जाएगा बुखार के बाद, बहुत दिनों के बाद हम लोग चावल खा रहे हैं, है ना दी? मज़ा आ जाएगा। तो कुत्ता भी बेचते हैं, और मुर्गी वो नहीं है, कबूतर, वो कबूतर है, सॉरी कबूतर पालन करते हैं। कबूतर पालन करते हैं। फिर आप देख सकते हो काफ़ी दूर कौवा अंकल को क्या पता नहीं शौक चढ़ा है इतना टावर के ऊपर बैठ के, और बोले जा रहे हैं काश हम भी कौवा होते जादू उतना ऊपर बैठे रहते। और ये यहाँ पे मंडरा रही है। गाइस आप देख सकते हो मैंने अभी वीडियो शूट किया है, रूम की हालत जो है ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो बहुत गंदा रूम का हालत है। खैर कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक करेंगे। okay. और गाइस अभी शाम का टाइम हो रहा है, और हम लोग खा रहे हैं बटाटा पूरी। हमको भी नहीं पता है क्या है, ठीक है, बेल पूरी है, बटाटा पूरी है, पता नहीं क्या, जो भी है खाते हैं। 3 hours later और यहाँ पे देख सकते हो आप हम लोग खा रहे हैं बर्गर अपना। हम लोग आपको बताए थे ना हॉस्टल में कि हम लोग कहीं पे आज जाने वाले हैं, तो हम लोग आज आए MBA बर्गर वाले भैया के पास, रचना कुन वाले के लिए वीडियो बनाने आए थे, और बन चुका है, बस अब खा रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं, एंड काफ़ी दूर था यार, मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई, बहुत दूर है ना, एसके पूरी पार्क बगल में है। तो लड़कियों को तो समझते ही होंगे ना, तो वेट गेन करना कोई नहीं चाहती रहती है, इस वजह से इसका मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, सेक के बनाते हैं। ये ब्लॉगर है तो इन लोगों का कुछ आदत भी होता है जबरदस्ती का अच्छा कहना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा ही रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा है। हाँ, अच्छा है, अच्छा है, तभी तो इतना ज्यादा भीड़ है, आप देखिए लोग। अच्छा, आपने ब्लॉग चैनल का नाम भी बता दीजिए। रचना क्वीन है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, रचना क्वीन है, कुछ भी लगे इनके कमेंट पे जाके बताइएगा।
तो गाइज आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है और ब्लॉगर ज़्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो हम लोग को भी बहुत लोग पहचानते थे। तो गाइज यहाँ पे हम लोग को बहुत सारे यूट्यूबर मिल चुके हैं, जिनसे कम से कम 5-6 और जो कि सब लोग जानते हैं, हम दोनों को जानते हैं। जब ही आए ना तो बोले जो रचना हाँ, हम सोचे बापरे ये कौन है, मुझे हाई क्यों कर रहा है। बोले जो दो है एक कहाँ गई, चाची के बारे में पूछ रहे थे वो लोग। और अभी हम लोग हैं यहाँ पे बस ऐसे ही खा पी लिए हमें थोड़ा सा रुकने के लिए, भैया लोग बोले थोड़ा सा यहाँ पे जो भी यूट्यूबर है लड़का में सब बोला है कि रुकने के लिए, तो थोड़ा देखते हैं बात बात करके देखते हैं। हम लोग रिपोर्टर हैं, न्यूज़ वाले चैनल के लिए बनाते कुछ कवर करते हैं, ब्लॉगर बहुत कम है सारे न्यूज़ चैनल वाले। देख सकते हो एक लाइन से बहुत सारे न्यूज चैनल वाले और बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे। अच्छा, बर्गर का दुकान खोलने का क्या मकसद था? बर्गर का दुकान पूछ रहे हैं भैया से, देख सकते हो वहाँ भी देख सकते हो अर्जुन और इनका भी एक चैनल है। Two hours later. आप देख सकते हो बारिश हो रही है यहाँ पे और हम लोग अभी रुके हुए हैं क्योंकि भीगेंगे तो फिर से सर्दी खांसी हो जाएगी। देख सकते हो बन रहा है प्याज का पराठा और एक बन के रेडी हो चुका है। सर्दी भी लग रहा है? नहीं लग रहा है, हमको हल्का हल्का सा लग रहा है। काढ़ा बनाएंगे रात में और पियेंगे। यहाँ पे बन रहा है, अभी हम लोग ये खा के सोने वाले हैं। बर्गर से पेट भरा था तुम्हारा? नहीं भरा था मेरा, क्योंकि हम लोग गए थे उसी टाइम थक गए थे बहुत। उसका बन जो था ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट था, हाँ कुछ भी नहीं लगा, हाँ मतलब स्नैक्स भी नहीं है वो हम लोग का, हाँ कुछ भी पर पेट के एक कोने में भी नहीं गया। हम लोग इतना खाते हैं, हाँ इतना खाते हैं इस वजह से। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, देख सकते हो आप यहाँ पे आ चुका है हम लोग का पराठा, तो अब जल्दी से खाते हैं। पागल हो गए लोग है क्या तुम? आइलम पागल हो गए, तो ही पागल हो गए। इसको दिखाते हैं एक सेकंड, देखिए ये देखिए ये सब लक्षण है, इस लक्षण है इसका सारा। हाँ तो पकड़ के पिछले आधे घंटे से बैठी है कि ब्लॉग में दिखाएंगे सारा सामान, ठीक है। कुछ आया है ऑनलाइन, राखी में दीदी घर जा रही है इस वजह से और मैं नहीं जा रही क्योंकि मेरी मम्मी तो एक तो मना कर दी, मेरा मन था जाने का, मेरा एक भाई आया है ठीक है, पर मम्मी बोली दो दो बना के क्या करोगी, एक बना जाओ बांध तो बात खत्म करो। नहीं ये बात नहीं, इसका माया मोह सब खत्म हो चुका है, घर घर परिवार ही जाना ही नहीं चाहती है और घर परिवार से इसका लगाव भी खत्म हो चुका है। मारेंगे नहीं तो पटके कर देंगे, सब इसको घर से बाहर निकाल दिए, निष्कासित हो चुके हम घर से, ठीक है। तो अब घर उर पे हमको कोई नहीं बुलाता है, ठीक है, निष्कासित कर दिए हैं। ऐसा बात कुछ नहीं है, इसका तबीयत एक दो दिन के लिए हमको जाना है तो एक दो दिन में इसका तबीयत खराब हो जाता है, ये जाएगी दुर्गा पूजा में है ना। दुर्गा पूजा में हम लेट से आएंगे क्योंकि मेरा क्लास होता है 7वीं से बंद, ठीक है, और इसको जाना है। हम लोग फास्टिंग करते तो यहाँ पे तो ठीक से नियम निष्ठा सब हो नहीं पाता। मजाक की बात थी, ऐसा कुछ मत समझना कि घर से मुझे निष्कासित या फिर मोह माया हट गया, बहुत हम लोग क्योंकि यहाँ पे ना मम्मी मना कर दिए क्योंकि मेरा ना तबीयत घर से भी आई थी, मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और बस वह सब ना हजम नहीं होता है, मतलब पचता नहीं है हमको, उसको क्या बोल सकते हैं, वो नहीं होता है, ठीक है, बस पे मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। पैसे से गाड़ी लेगी ना तभी जाएगी ये घर, ऐसा कुछ नहीं है। जाएंगे जाते हैं तो रहते हैं हम घर पे 10-15 दिन, जाएगी तो 5-6 दिन, जब तक मतलब कि 10 दिन कम से कम नहीं रहेगी तो इसका मन ही नहीं भरता है, इस वजह से जाते हैं, ठीक रहता है तब जाती हो तो ना। बाकी राखी है तो एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए जाऊंगी मैं, आऊंगी मंडे तक हो सकता है, और यह है कि इसका तबीयत खराब होगा तय है और मेरा बहुत ज़्यादा हो जाता है इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो बाकी कुछ कुछ सामान आया है ऑनलाइन, दिखाते हैं एक सेकेंड आपको दिखा दूँ, ये है 1 पीस और अगर आपको लेना होगा तो ले सकते हैं। मिंत्रा का है ना? अजियो का है, अजियो का है। तुम प्रमोशन कर रही हो यहाँ पे है, प्रमोशन चल रहा है, देखती हो ना तो उसी से सी। इसका क्वालिटी गाइस बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत कितने में दिया था? 800 का 1 पीस है, तो 800-900 व्हाइट कलर के शूज के साथ अगर आप वन पीस फ्रॉक जैसा होता है तो आप पहन सकते हैं। बचपन में हम लोग पहनते थे ना फ्रॉक,
मैं तो यही पहन, लेकिन ब्लैक नहीं पहना जाता है रक्षाबंधन में, तो ये नहीं पहना। सूट सलवार पहनना ठीक है, गांव है, स्टाइल मारने की जरूरत नहीं है वहाँ पे, ठीक है। पापा के लिए ये शर्ट लिए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, पिंक कलर, पिंक है हाँ। और इसका जीन्स हम लोग ले गए थे पिछले बार ब्लैक कलर का, तो उसके ज्यादा अच्छा लगेगा वो। किसी के लिए कुछ ले जाए या ना ले जाए, पापा के लिए हर बार एक शर्ट तय है ले जाए। मम्मी के लिए नहीं ले जाते हैं क्योंकि मम्मी बहुत डांटती है, मतलब एक एक की मम्मी और साड़ी में हम लोग ठगा जाते हैं। किसी किसी की मम्मी होती है जो बहुत खुश हो जाती है कुछ भी सामान ले जाने पे, लेकिन हम लोग की मम्मी उल्टे है, बहुत डांटती है। और एक और वन पीस है, ये तो बहुत सस्ता है, कल परसों में कल आया, 400 का, आज ही आया क्या? आज ही आया ना, आज ही आया। ये पहन लूंगी मैं, तुम सब पहन लेना, एकदम प्लेन है जो कि अभी मैं पहन के दिखाऊंगी आपको। नीचे से ये वाला जो पैटर्न है मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, जिसे आप कुछ हैवी इयररिंग के साथ करते हो ना तो मस्त लगने वाला करने और वाला। एक लिए है भाई के लिए शर्ट जो कि मैं ले जाने वाली हूँ, उसको अभी तक पता भी नहीं है इस शर्ट के बारे में ना, हाफ शर्ट बहुत पसंद है तो इसलिए मैं ली था उसके लिए। ये भी मिंत्रा का है ना, कम का ही है, कितने का है? 999 लिखा हुआ है बट उतने का है नहीं, ये 600-500 का, याद नहीं मुझे, 500-600 के अंदर का है। दो जीन्स है, हो गया, काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हो गई है राखी की। इस बार इसका अच्छे से ऑल लगने वाला है क्लास, ठीक है ना। बहुत खुश हो कि यहाँ से ले जाती है, बट मम्मी वहाँ पे बहुत डांटती है हम लोग। कहाँ कुछ ले जाने वाले, बस पापा के लिए ले जाएंगे, पापा के लिए कुछ भी ले जाते हैं, मम्मी नहीं डांटती। और भाई के लिए, भाई के लिए खुद थोड़ा सा मना किया था वो नहीं लाने के लिए, लेकिन हम लोग बिना बताए ले जा रहे हैं इस बार शर्ट। और मैं खुद के लिए तो ली हूँ 400 का बस, वो ब्लैक वाला तो बहुत दिन पहले ली थी। वो भी तुम्हारा ही है, वो भी मेरा ही है, क्योंकि बहुत गरीब लड़की के पास कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये रक्षाबंधन में जा ही नहीं रही तो कपड़ा लेके क्या करेगी, कुछ है ही नहीं मेरे पास। इधर ही तो एक टॉप खरीदी थी तुम, एक टॉप के बदले दो दो वन पीस, वो भी ना जितना का मेरा टॉप है ना उससे दो गुना दाम का, समझ रहे हो ना। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग में कपड़ा बटा हुआ नहीं है, दोनों बहन मिला के पहनते हैं, लेकिन कुल मिला के बात तो यही है ना। यहाँ पे बात ये है कि तुम बहुत ज्यादा अपने लिए शॉपिंग करते हो और हम अपने लिए बिल्कुल शॉपिंग नहीं करते। तो गाइस देख सकते हो इसके समझ में नहीं आ रहा है किधर से कौन चीज बांधने वाला है, एंड यहाँ पे देख सकते हो घांगड़ा है, घांगड़ा अच्छा लग रहा है। ओ बे 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 वो पहन के अभी दिखाऊंगी, वो अच्छा लग रहा है, दोनों में से कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है वो बताइएगा आपको। हाँ वही मैं पहनने वाली, घूम के दिखाओ दीदी। हाँ देखो ये वाला ट्राई करती, अब ये वाला पहनेंगे। बाप रे बाप, मन नहीं उबता है दीदी, बिल्कुल नहीं। हम तो हॉल वाला वीडियो बनाते हैं, दिमाग मेरा खराब हो जाता है चार बार जब ये ड्रेस चेंज करना पड़ता है। मेरा नहीं होता है क्योंकि हमको नया कपड़ा बहुत पसंद है। ये वाला पैटर्न इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, ऊपर वाला अच्छा डिजाइन नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तुमको? अच्छे नहीं लगा हमको पता है। पागल हो क्या? ये सेकेंड आउटफिट है इसका, ठीक है, उतना खराब नहीं लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, और एंड ये ब्लॉग 3 दिन से बन रहा था तो पूरा देख लीजिएगा, और हाँ लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइबर बहुत कम है तो प्लीज यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो, कम से कम 1000 कर दीजिए, 1000 करवा दो यार प्लीज। क्यों मांग रही हो? भीख मांगने से भी मिल जाए सब्सक्राइबर तो मांग लेंगे। अच्छा, बोलो ना, भिक्षाम दे ही, भिक्षाम दे ही, दे देना 5 सब्सक्राइबर इस वीडियो के बाद। तो गाइस एक लाइक कर दीजिएगा ब्लॉग को, अच्छा लगे तो ऐसे ही और ब्लॉग देखने के लिए लाइक नहीं करिएगा, देखते रहिएगा बस ब्लॉग। चलो क्या हुआ?